कोलकाता की अनुष्का पात्रा। अनुष्का पात्रा जो कि कोलकाता से हैं, पॉप, हिप हॉप, रॉक, फ्लॉक, क्लासिकल, जज, रिदम और R&B के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट सिंगर इनको बोला जाता है। वहीं अगर इनकी अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने MI होनर्स के अंदर 2020 के अंदर टॉप 8 कंटेस्टेंट्स के अंदर अपनी जगह बनाई थी। द वॉइस ऑफ किड्स 2016 के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सारेगामापा बांग्ला के अंदर भी इन्होंने थर्ड रनअप रह चुकी हैं और इसी के साथ इन्होंने सारेगामापा लिटिल चैंप भी किया हुआ है। तो काफ़ी पॉपुलर हम इनको कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शोज के अंदर ये पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। अगली सिंगर है विदिप्ता चक्रवर्ती जो कि कोलकाता से हैं। इनको लोग गोल्ड गिफ्टेड सिंगर भी बोलते हैं। सारेगामापा 2020 के अंदर ये सेकंड प्लेस पे रही थी और 2017 के अंदर GTV पे सारेगामापा लिटिल चैंप के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और टॉप 8 कंटेस्टेंट्स के अंदर इन्होंने अपनी जगह बनाई। नवदीप वडाली जो कि अमृतसर के हैं और नाम से भी आपको पता चल गया हो कि वडाली फैमिली और वडाली ब्रदर्स का बहुत बड़ा नाम है पंजाब के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस हैं। तो वडाली ब्रदर्स से इनका काफ़ी अच्छा नाता है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो पॉपुलरिटी है, फेमसिटी, इनको बहुत आगे ले जा सकती है। कोलकाता की संचारी सेन गुप्ता। संचारी सेन गुप्ता जो कि कोलकाता से हैं, इन्होंने स्टार जलसा सुपर सिंगर सीजन 2 की विनर भी रह चुकी हैं और 2014 के अंदर पोगो अमेजिंग किड्स के अंदर एज अ सिंगर ये विनर रह चुकी हैं। तो कह सकते हैं कि इनकी पॉपुलरिटी भी किसी से कम नहीं है। इंडियन आइडल 10 सितंबर से रात 8 बजे सोनी पर। संजुति दास जो कि कोलकाता से है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है सिंगिंग इंडस्ट्री के अंदर। 2016 में सारेगामापा के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया और टॉप 7 फाइनलिस्ट भी बनी। ये प्लेबैक सिंगर हैं, बहुत सारी TV सीरियल्स के अंदर इनकी आवाज़ आपको देखने को मिल जाएगी और इन्होंने बहुत सारी एड्स के अंदर भी सिंगिंग की हुई है। जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है। शिवम सिंह जो कि वरोदा से हैं और ये भी काफ़ी पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं। इंडियन आइडल जूनियर सीजन 1 के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहीं द वॉइस ऑफ किड्स के अंदर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया था और इसी के साथ लंबी इंडिया में भी ये कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर सिंगर्स में से एक गिने जाते हैं। बाकी शिवम सिंह से रिलेटेड और भी अपडेट्स हैं जो जल्दी आपको देखने को मिलने वाली हैं। बनते सबा बागे
पूरा नाम इनका सोनाक्षी कर है, लेकिन इंडियन आइडल में इनको सोनाक्षी के नाम से जाना जाएगा, जो कि कोलकाता की रहने वाली हैं। इनको ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ये अरुणिता काजीलाल की कज़न सिस्टर हैं। अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन हुमर्स ऐसे ही आ रहे हैं। ये क्लासिकल सिंगर्स काफ़ी अच्छे से करती हैं। 2011 में बंगाली सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और वहीं इन्होंने हिंदी सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल जूनियर 2013 के अंदर भी पार्टिसिपेट किया। सारेगामापा लिटिल चैंप 2017 में आया, उसके अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी जानी मानी सिंगर्स में से एक हैं। जादुई का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चिराग कोतवाल जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, इनके ऊपर कोई भी जानकारी तो खास मिली नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि ये भी काफ़ी पॉपुलर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और अगर कोई अपडेट मिलती है तो ज़रूर बताऊंगा। बातें ज़रूरी है, तेरा मिलना भी ज़रूरी, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर ना दोनों मिले, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार। अयोध्या के ऋषि सिंह जो कि अयोध्या से हैं, इनके बारे में भी ज़्यादा इंटरनेट पे नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ये भी कुछ जाने माने सिंगर्स में से एक हैं। अभी तक गाइज आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि टोटल 9 कंटेस्टेंट्स हैं, जिसके अंदर लगभग 5 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज़ हैं। पांचों के पांचों गर्ल्स आपको कोलकाता से ही देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर सोनाक्षी जो कि कोलकाता से हैं, संजुति दास जो कि कोलकाता से हैं, संचारी सेनगुप्ता भी आपको कोलकाता से ही नजर आएंगी, विदिप्ता चक्रवर्ती भी कोलकाता से, और अनुष्का पात्रा भी आपको कोलकाता से ही नजर आएंगी। तो पांचों गर्ल्स कोलकाता से हैं, और जो बॉयज़ हैं वो अलग अलग स्टेट से हैं, जैसे नवदीप बडाली अमृतसर से हैं, ऋषि सिंह अयोध्या से हैं, चिराग कोतवाल जम्मू एंड कश्मीर से हैं, और शिवम सिंह जो कि बड़ौदा से हैं। तो कहीं ना कहीं आप इधर साफ साफ देख सकते हैं जो गर्ल सिंगर्स हैं वो कोलकाता से ज़्यादा ली गई हैं इस सीज़न के अंदर, और बॉयज़ को अलग अलग स्टेट से लिया गया है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में? और वहीं एक हुमर्स और बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, सोनाक्षी कर और जो विपिता चक्रवर्ती हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है टीम्स की तरफ से, इंडियन आइडल टीम्स की तरफ से, लेकिन ये भी अफवाह ही है, आगे क्या होता है वो हमें रिजल्ट में ही पता चलेगा। बाकी कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन ज़्यादा पॉपुलर है वो भी आप बता सकते हैं। पूरा डेटा है जो इनके बारे में इंटरनेट पर है वो हमने आपके सामने रखा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।